Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and now we'll discuss monetary system in engineering economics. ठीक है, ये क्या होता है हम इसको देखते हैं. इससे पहले guys हम central banks के बारे में पढ़ चुके हैं, commercial banks के बारे में पढ़ चुके हैं. If you want to watch that, I'll give the link in the description. You can watch that. Now let us begin monetary system क्या होता है. ठीक है, monetary system क्या है? It is a set of institutions. ठीक है, institutions है एक by which a government provides money in a country's economy. ठीक है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिससे कि जो हमारा गवर्नमेंट है वहां से हमारा मनी आता है बेसिकली. ठीक है, सो इंस्टीट्यूशन बाय विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी, इंस्टीट्यूशन बाय विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी. ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया इन कंट्रीज इकोनॉमी. अब मनी क्या होता है? सिंपली हमको पता है पैसा क्या होता है, सिंपल नॉर्मल मनी होता है. उसके बिना आजकल लाइफ इज नॉट पॉसिबल. तो वट एवर वी कैन यूज इन ऑर्डर टू सेटल पेमेंट्स. ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं. बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट जो पहले थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी, अलग अलग डेफिनेशन दी थी. ठीक है, तो हम दो तीन देख लेते हैं और जो जनरली काफी चली थी वो हम देख लेंगे. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट गेव मेनी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वॉकर, WALKER. ओके, जिसने क्या बोला था कि मनी इज व्हाट मनी डज. ठीक है, पैसा क्या है? पैसा वो है जो पैसा करता है. इसने ऐसी अजीब सी डेफिनेशन दी. देन अकॉर्डिंग टू GDH Cole, इसने क्या बोला? मनी इज एनीथिंग विच इज हैबिचुअली एंड वाइडली यूज एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. ठीक है, इसने क्या बोला? मनी कुछ भी है, कोई चीज है जो कि वाइडली यूज, हर जगह यूज की जाती है पेमेंट के तौर पे, एंड इज जनरली यूज इन द सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स. ठीक है, तो GDH Cole ने हमारे को ये डेफिनेशन दी. नाउ सेलिगमैन एक हमारा इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या बोला? ही डिफाइंड मनी एज एनीथिंग दैट पजेसेस जनरल एक्सेबिलिटी. ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो कि एक्सेप्ट हो सके चीज, जिसको लोग मान ले कि हम, अगर मेरे को सामान चाहिए तो आई कैन एक्सेप्ट दिस, यस, तो वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होगी. तो इसने ये बोला. ठीक है, इस वाले इकोनॉमिस्ट ने. नाउ अकॉर्डिंग टू क्राउथर हमारा एक था, CROWTHER. ठीक है, इस इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला? इसकी सबसे मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन मानी जाती है. ठीक है, इसने बोला मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, हर जगह एक्सेप्टेबल है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब अपने पैसे को जमा करके रख सकते हैं. ठीक है, नाउ मनी एक्ट्स एज अ मेजर, मतलब जैसे कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, उसके बदले हम उसको नाप के पैसा दे सकते हैं. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मेजर. जैसे हमारा पेन हो गया, पेन को हम कह सकते हैं कि हमारा 5 रुपए का प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इसलिए इसको मेजर कर सकते हैं. और फिर स्टोर एज अ वैल्यू, मतलब पैसे को हम स्टोर भी कर सकते हैं. अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच प्रोवाइड फोर फंक्शन, परफॉर्म फोर फंक्शन. ठीक है, चार फंक्शन हमको प्रोवाइड करता है बेसिकली, होने चाहिए. सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, हम किसी भी चीज को अगर लेना चाहते हैं तो हम उसके बदले उसको देंगे तो वो हमारा पैसा है. ठीक है, और मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज है उसके बदले में हम उसको मेजर कर रहे हैं, कि जैसे हमारा ये पेन है तो पेन का मेजर एक पेन इज ऑफ 5 रुपीज. ठीक है, तो इसको हम मेजर करके उसकी क्वांटिटी का प्राइस पे कर रहे हैं. ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू हो गया. स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जैसे कि हम उस पैसे को अपना स्टोर भी कर सकते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफर्ड पेमेंट्स मतलब क्या होता है? टेम्पररी पोस्टपोन पेमेंट, जो कि हम बाद में भी दे सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा, हमने कोई फोन ले लिया, उसके हम पेमेंट बाद में इंस्टॉलमेंट्स में देते जा रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया गिवन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ अ बाइक और अ फोन. ठीक है, तो हमारा हो गया डेफर्ड पेमेंट्स. तो इन सिंपल वर्ड्स मनी हम कह सकते हैं कि जिसमें ये चार प्रॉपर्टीज होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. ओके, नाउ गाइज वेन वी टॉक ऑफ फंक्शन ऑफ मनी, उसमें क्या होता है? हमारे बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी और एक कंटिजेंट फंक्शन होते हैं. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है? जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू होता है. अभी हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है. सेकेंडरी फंक्शन में हमारा क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, वही कि हम अपना पेमेंट बाद में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ठीक है, कंटिजेंट में हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हर बंदे को जैसे हम इनकम बांटते हैं. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. ठीक है, एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट्स एंड लिक्विडिटी. नाउ इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन सब चीजों का. ठीक है, सो गाइस नाउ हम फंक्शन की बात करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है, हमने क्या देखा था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. सो जो मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, हम किसी चीज के बदले में पैसा देकर के उस चीज को, सामान को खरीद सकते हैं. अब पुराने जमाने में क्या होता था कि पहले पैसे तो होते नहीं थे, तो सिंपली क्या करते थे? एक गुड़ के बदले दूसरा गुड़, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते. जैसे अगर मेरे को खाना चाहिए और दूसरे बंदे के पास सपोज होते, तो मैं अपने, अगर मेरे पास क्लोथ्स है उसके पास खाना है, तो मैं अपने क्लोथ्स देकर के उससे खाना ले सकता हूँ. ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ चलता था. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम. अभी मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन से बताऊंगा. नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज ऑफ मनी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ग्रेटली. इससे हमारा बहुत फायदा हुआ है. ठीक है, पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी, इट हैज रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम की. सो गाइस पहले के जमाने में क्या था? बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड,
सामान के बदले सामान एक्सचेंज हुआ करता, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या था, इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो ये मैंने आपको बताया, अगर एक सामान है एक बंदे के पास, दूसरे का दूसरा सामान है, तो एक दूसरे से वो एक्सचेंज कर लेते थे अपना सामान, और ऐसे करके पहले बिजनेस चला करता था, ठीक है। पहले कोई पैसा नहीं होता था, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है, वो एक्सेस में अपना वीट सपोज बना रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, और उस और हो सकता है कि वो ही में एक्सचेंज इट फॉर सम अदर गुड्स, लेट अस से क्लोथ, कपड़े के बदले, ठीक है, विच ही नीड बट डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कपड़े उसको, और सपोज उसने अपना वीट प्रोवाइड प्रोड्यूस किया और दूसरा बंदा है उसने अपना क्लोथ प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो वो क्लोथ ले सकता है जो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आपस में उनको अपना सामान एक्सचेंज करना होगा। बट ऐसा भी तो सकता है कि एक बंदे को खाना चाहिए, सपोज जो क्लोथ प्रोड्यूस करता है उसको खाना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने बोला नहीं मैं तेरे को नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को कपड़े की जरूरत ही नहीं है, तो मैं अपना क्यों वीट बर्बाद करूं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए हैज फूड, ए के पास खाना है एंड बी हैज क्लोथ, ठीक है, एंड बी वॉन्ट्स फूड, मतलब बी को खाना चाहिए बट ए डज नॉट वॉन्ट क्लोथ, बी को खाना चाहिए लेकिन ए को अपना सामान देना ही नहीं है, देयरफॉर प्रॉब्लम हो गई, है ना। बी के पास क्लोथ्स है, उसने बोला मेरे कपड़े ले ले, मेरे को बदले में खाना दे दे, नहीं, उसने बोला नहीं भाई मेरे को तो कुछ और सामान खरीदना है, मैं तो अपने वीट किसी और को दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम राइज हो सकती थी। तो प्रॉब्लम ये हुई, और फिर इससे क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब क्या निष्कर्ष निकल गया, लैक ऑफ कॉमन यूनिट और वैल्यू, मतलब एक लैक, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है कि जैसे कि जैसे अब नोट बन गए, ठीक है, पैसे के बिना अब कुछ नहीं होता है, पहले प्रॉब्लम थी, तो अब पैसा आया तो एक कॉमन यूनिट यूनिफॉर्मिटी हो गई है पूरी, अगर हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे उस वक्त यहाँ पे लैक ऑफ कॉमन यूनिट था। डिफिकल्टी इन एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए अब हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चेक बना के करते हैं, पेमेंट करते हैं जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में या कुछ भी करते हैं, तो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, तो देयरफॉर कॉमोडिटी कैन परचेस एंड सोल्ड थ्रू मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सो इसीलिए हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट हुआ, जो कि हमारा नोट आया तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बढ़ा, ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिससे कि हमारा बार्टर सिस्टम रिमूव हुआ, जिसमें कि हम सामान एक्सचेंज किया करते थे पहले। नाउ गाइस सेकंड फंक्शन हमारा प्राइमरी हो गया मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर मेजर ऑफ वैल्यू हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक वी यूज 1 kg या फिर 2 kg हम लोग लीटर वगैरह यूज करते हैं नापने के लिए, तो वैसी जस्ट लाइक वी यूज kg फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ कमोडिटी, इन द सेम वे फॉर मेजरिंग अ वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी वी यूज मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मतलब जैसे कि हम सामान वामान खरीदते हैं तो 1 किलो सामान दे दो या 1 किलो सब्जी दे दो भैया जैसे बोलते हैं, तो वैसी इसमें क्या मेजरिंग वैल्यू किसी कॉमोडिटी की या किसी चीज की, मतलब हम वैल्यू को नापने के लिए हम सिंपली मनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट हम यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पेन 5 रुपए का है, बुक 200 रुपए की है, ठीक है, वैसी हो गया। दस वेन दी वैल्यू ऑफ ऑल दी कॉमोडिटीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इट बिकम्स इजियर फॉर एनी वन टू कम्पेयर देम, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि एक पेन 5 रुपए का और एक बुक हमारी 200 रुपए की है, तो मतलब क्या हुआ कि 40 पेन के इक्विवेलेंट हमारा एक बुक का कॉस्ट है, तो अगर मैं आपको एक बुक दे रहा हूं तो आप मेरे को बदले में 40 पेन दो, वाली बात हो गई, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कितना वैल्यू के बदले कितना हमारे को सामान मिल सकता है, ओके। सो ये हमारे सारे प्राइमरी फंक्शंस हो गए, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी फंक्शन में 3 होते हैं, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सो लेट अस सी स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है, फ्यूचर पेमेंट्स, कि हम फ्यूचर में अपना पे कर देंगे, जैसे कि हम अपना फोन लेते हैं टुकड़ों में पेमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है, वैसी। सो इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक, इफ यू टेक लोन फ्रॉम बैंक विल पे दी मनी इन द फ्यूचर, दैट इज पेमेंट्स पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, बेसिकली वही है, ठीक है, लोन वगैरह टाइप का ले रहे हैं या फिर, तो अपने को पेमेंट जो है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में टाइप में देनी है। तो फ्यूचर पेमेंट्स कैन नॉट बी मेड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गुड्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स में चेंज, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो सकता है, सामान है कोई, सपोज उसकी वैल्यू अभी कॉस्ट 50 रुपए है, तो हो सकता है फ्यूचर में उसकी कॉस्ट 100 रुपए हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे फ्यूचर में पेमेंट्स हम नहीं कर पाते थे, वहां पे हमारे को ये प्रॉब्लम अराइज होता था। देयरफॉर मनी इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, अब मनी आ गया तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो हमें पता है कि अगर 10 रुपए तो 10 रुपए की कॉस्ट 10 रुपए की इक्विवेलेंट ही होगी, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में अब हम बात करते हैं अगर सेकंड वाले की, तो इसका क्या होता है, पीपल कैन कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, अपना पैसा लोग जोड़ करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट दैट इज मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अब पहले क्या था, हमारे पास मनी का कोई सीन नहीं था, किसी पे कोई सामान था, किसी पे कोई सामान था, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे पे वीट है तो वो वीट की वजह से जिंदा रह सकता है, नहीं ना, तो वैसी दिक्कत की बात थी। तो मनी है तो अब मनी से क्या है, अब मेरी मर्जी में जाके कपड़े खरीद लूँ या मैं खाना खा लूँ या मैं अपनी कॉलेज की फीस पे कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, ठीक है, तो वही बात है। होल्डिंग ऑफ मनी मीन्स होल्डिंग ऑफ जनरल परचेसिंग पावर विच कैन बी यूज टू परचेज गुड सर्विस एट एनी टाइम, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि पैसा है तो जब मर्जी जो खरीद सकता है बंदा, ठीक है, जनरल परचेसिंग पावर कैन बी यूज टू परचेस गुड सर्विस एट टाइम, तो मैं कोई भी सर्विस कभी भी ले सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे हैं तो, ठीक है,
इंटरनेट कराना है इंटरनेट रिचार्ज करा लो, जो खरीदना है खरीद लो, वो वाली बात है। नाउ थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। अब इसमें क्या है, हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बंदे को एक काम है तो अपना दूसरे बंदे को दे सकता है मनी, ठीक है, किसी काम के बदले में। मनी हेल्प अस टू ट्रांसफर वैल्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है। सच ट्रांसफर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स एंड एक्सेट्रा। अब जैसे कि हम कॉलेज में गए, कॉलेज में एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को, तो फिर हम अपना डिमांड ड्राफ्ट वहां पे जमा कर सकते हैं या कुछ जमा कर सकते हैं, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज हो रही है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है। हमने कि 8,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और कॉलेज में जमा कर दिया अपना पेमेंट के लिए, ठीक है, तो वैसे ही हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज हो गया। कंटिजेंट फंक्शन की अब हम बात करते हैं, तो ठीक है गाइस, हमने ये डिस्कस कर लिया प्राइमरी और सेकेंडरी, अब हम कंटिजेंट की बात करते हैं। कंटिजेंट में हमारे चार होते हैं, 1, 2, 3, 4, नाउ लेट्स डिस्कस देम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, अब हमारा मनी से क्या होता है, पैसा है तो फिर हर बंदे को उसकी वेज बांटी जाती है। जैसे ये कोई टीचर है तो उसकी सैलरी अलग होगी, ठीक है, कोई प्रोफेसर है तो उसकी सैलरी अलग है, एंड सो ऑन। तो वैसे ही लिखा हुआ है, मनी हेल्प्स अस टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम इन वेरियस फॉर्म्स लाइक वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट्स, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। किसी को लोन देना है तो अपने मनी से चुका सकता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर और द कंज्यूमर, ठीक है। नाउ अ कस्टमर हु एम्स एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी बाइज गुड सर्विस इन सच अ वे दैट द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। अब वही, अगर पैसा होगा बंदे के पास तो अपना सेटिस्फैक्शन होगा और जो बंदा जब चाहे वो अपना खरीद सकता है, अपने मन का मालिक है। नाउ बेसिस ऑफ क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो मेन सपोर्टिंग पिलर ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंस इज द मनी, ठीक है, मनी है हमारा सब कुछ, एंड मनी सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ क्रेडिट। पैसा नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत है। देन लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो मनी कैन बी कन्वर्टेड टू एनीथिंग, दैट इज गोल्ड में हम इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं सिल्वर का कोई प्रोडक्ट खरीद के रख लो अपने घर में और बाद में मैं चाहूँ तो उसको बेच सकता हूँ, ठीक है ना। तो वही बात हो गई लिक्विडिटी में, मनी कैन बी कन्वर्टेड टू एनी गोल्ड एंड एसेट सच एज लैंड, लैंड खरीद लिया मैंने, घर खरीद लिया, बाद में मैं उसको बेच दूं, जमीन खरीद ली, ठीक है, मशीनरी एटसेट्रा। तो ये हमारा हो गया क्या, कंटिंजेंट फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया गाइस। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी फंक्शन, देन सेकेंडरी, देन कंटिंजेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, मीडियम ऑफ वैल्यू था, इसमें हमारे तीन थे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। कंटिंजेंट में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ यूजर, बेसिस ऑफ क्रेडिट्स एंड लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी में क्या था कि हम अपने पैसे को स्टोर कर रहे हैं, या तो लैंड के फॉर्म में इसको स्टोर करके रख रहे हैं, या हमने कोई जेवर जेवरात खरीद लिया, ठीक है, उस फॉर्म में उसको स्टोर करके रख रहे हैं। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मनी। गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टिल टाइम टेक केयर, गुड बाय।